अभी से आपको बिना माउस की सहायता के डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना है और उसमें नाम रीनेम करना ही बताना है, तो कैसे करेंगे आप? सर ये बहुत आसान होता है, इसके लिए अपन कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और एन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक न्यू फोल्डर बन जाता है और इसका अपन कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे ये हमने अभिषेक इसका नाम दे दिया है, ठीक है, ये अभिषेक हमने नाम दे दिया, एंटर कर दिया तो इसका नाम दे दिया। अब हमको इसका नेम चेंज करना है तो इसके लिए एक फंक्शन की रहती है ऐप टू, तो इससे अपन रीनेम कर सकते हैं। अभी हम इसका नाम अभी कर देते हैं और फिर एंटर कर देते हैं, हो गया सर। ठीक है।